उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट में लेन देन को लेकर हुई है। इनकम टैक्स की टीम ने रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद में छापेमारी की है। छापेमारी के वक्त सपा नेता आजम खान अपने रामपुर स्थित आवास पर थे। आयकर विभाग की दर्जन भर गाड़ियों का काफिला आजम खान के घर के बाहर देखा गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने आयकर विभाग की कार्रवाई को उचित करार दिया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश पर आयकर विभाग की टीम रामपुर में आजम खान के आवास पर पहुंची। सपा नेता आजम खान के करीबी माने जाने वाले नसीर खान के घर पर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा है। देखिए, समाजवादी पार्टी घोसी में मिले उपचुनाव में जीत के बाद से मदांध हो गई है। वो अनर्गल बयान दे रही है। अब तो अखिलेश यादव जी को G20 में भी घोसी नजर आ रहा है, तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए। जहां तक बात रही आजम खान साहब की, तो उनके खिलाफ कई मामलों की जांच लगातार चल रही है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग मामलों में उनकी जांच कर रही हैं। उन्हें जिस तरह का इनपुट मिल रहा है वो उस पर आगे बढ़ रही है। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश पर आयकर विभाग की टीम रामपुर में आजम खान के आवास पर पहुंची। सपा नेता आजम खान के करीबी माने जाने वाले नसीर खान के घर पर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आजम खान के घर को चारों तरफ से घेर लिया और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने इसे बदले की कार्रवाई बताई है। आज उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के यहाँ छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खान साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है हेमंत बिश्व शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। आज के छापेमारी मुख्यतः जो दिल्ली में शरद पवार जी के घर में इंडिया की बैठक हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए है, हेडलाइन बनाने के लिए है। तो भाजपा को इस बात का ध्यान रहे कि अब हेडलाइन बनाने से, नेताओं के यहाँ छापे बनवाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है। अब भाजपा की ये छापेमार दस्ता, अब उनके कोई काम नहीं आने वाला। आजम खान 10 बार रामपुर से विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा भी पूर्व सांसद और विधायक रही हैं। आजम खान 10 बार रामपुर से विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा भी पूर्व सांसद और विधायक रही हैं। वहीं उनका बेटा अब्दुल्ला आजम भी पूर्व विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने में उन पर कई आरोप लगे हैं। इसे लेकर लगभग 92 मुकदमे आजम खान पर चल रहे हैं। आजम खान यूपी में एक बड़े नेता हैं और उनके खिलाफ किसी बदले की कार्रवाई से केंद्र सरकार को बचना चाहिए। आजम खान यूपी के एक बड़े नेता हैं और उनके खिलाफ किसी बदले की कार्रवाई से केंद्र सरकार को बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइव नेटवर्क।